नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम धर्म दरबार में। आज हम आपको भारत के उस अनोखे मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ प्रसाद में मिलता है सोना। आपने अभी तक ऐसा सुना नहीं होगा कि भारत के मंदिरों में मिलता है प्रसाद में सोना। भारत को मंदिरों का घर कहा जा सकता है। यहाँ हर गली मोहल्ले में छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भेंट भी चढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब प्रसाद लेने की बारी आती है। हर मंदिर में प्रसाद के रूप में नारियल, चरणामृत एवं मिठाई मिलती है। पर क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है या देखा है जहां प्रसाद में सोने के आभूषण या फिर नगद रुपए मिलते हैं? इस मंदिर में साल भर भीड़ लगी रहती है। भारत का ये मंदिर है मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सुप्रसिद्ध महालक्ष्मी का मंदिर, जहाँ पूरे साल बहुत भीड़ लगी रहती है और दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है। यहाँ पर भक्त करोड़ों रुपए और जेवर चढ़ाते हैं। खास तौर पर धनतेरस से लेकर दीपावली के दिनों में दर्शन करने आए भक्त जेवर और नोटों की माला माता के दरबार में चढ़ाते हैं। पूरा मंदिर जेवरों और नोटों की माला से सजा होता है, परंतु साल के कुछ महत्वपूर्ण दिनों में यहाँ पर कुबेर का दरबार भी लगता है। इस मंदिर में पैसे और जेवर चढ़ाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है और सैकड़ों सालों से चली आ रही सबसे अनोखी किसी अन्य मंदिर से जो बात इस मंदिर को अलग करती है वो ये है कि जो भी भक्त दीपावली पर इस मंदिर में आता है वो खाली हाथ नहीं जा सकता। दीपावली में जो भी जेवर या रुपए प्रसाद रूप में चढ़ते हैं उनको सारे भक्तों में बांट दिया जाता है। इसलिए दीपावली के बाद यहाँ कतारें लगती हैं और दूर दूर से लोग दर्शन और प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। यहाँ जो भी गहने प्रसाद के रूप में मिलते हैं लोग उन्हें शुभ मानते हैं और उनको खर्च नहीं करते हैं, बल्कि अपनी तिजोरी या जहाँ वो पैसा रखते हैं वहाँ संभाल कर रख देते हैं। ऐसा माना जाता है कि संभाल कर पैसे की जगह रखने से धन की कभी भी कमी नहीं होती। एक और दिलचस्प बात इस मंदिर के बारे में ये है कि जो भी भेंटे माता के दरबार में गहनों अथवा नोटों की चढ़ती हैं उनको रजिस्टर में भक्त के नाम के साथ नोट किया जाता है। फिर दीपावली के दिन रिकॉर्ड को देखकर भक्तों को उनकी भेंट प्रसाद के रूप में दे दी जाती है। मंदिर परिसर में जगह जगह CCTV कैमरे भी लगे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है और दर्शन करता है उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर जेवर और रुपए प्रसाद के रूप में चढ़ते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। फिर जुड़ूंगी आपके साथ धर्म की अन्य जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।